अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके साथ बेसन की रोटी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले ऐड करेंगे 4 हरी मिर्चें जो मैंने चॉप कर ली, 1 छोटे साइज का प्याज लेंगे, धनिया ऐड कर देंगे। अब इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से जो है चॉप कर लेंगे। सब चीज़ों को जो है अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। हम यहाँ पे रोटी बनाने के लिए सबसे पहले ऐड करेंगे 1 कप बेसन, 1/2 कप वाइट आटा, आप मैदा भी ले सकते हैं और दूसरा आटा भी ले सकते हैं। यहाँ पे जो चीज़ें हमने चॉप की थी वो ऐड कर देंगे। यहाँ पे फ्राई पैन जो है वो गर्म हो चुका है, तो उसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून जीरा। इन मसालों को जो है स्लो फ्लेम पे हम रोस्ट कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। यहाँ पे मसाले जो है वो रोस्ट हो चुके हैं, तो अब इनको ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे जो मसाला हमने ग्राइंड किया था वो ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और 1 चाय के चम्मच नमक, या जितना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उतना ऐड करें। अब इसमें 1 चम्मच जो है वो ऑयल ऐड करेंगे और अब इसमें 1 कप दूध ऐड करेंगे और अब इन सब चीज़ों को आटे की तरह जो है गूंद लेंगे। यहाँ पे आटा जो को अच्छी तरह से गूंदने के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे ऑयल। ऑयल लगाने के बाद इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। तो सबसे पहले हाथ पे जो है खुशका लगाएंगे, यहाँ से फिर एक पेड़ा लेंगे आटे की तरह, इस तरह से गोल करेंगे। रोटी जो है वो आपने बारीक सी रोटी बेल ली है और उसके एक साइड पे जो है हम ऑयल लगा लेंगे। तो इस तरह से जो सारी रोटियां हैं वो हम रेडी कर लेंगे। हमारी बेसन की रोटियां जो हैं वो रेडी हैं, ये देखें। तो अब आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी जो है वो आपको कैसी लगी।